गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आपको हमने परसेंटेज पढ़ाया था, तो उस परसेंटेज में हमने आपको कुछ सवाल करा दिए थे, तो वो सवाल के आगे की एक्सरसाइज के बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास था फोर तक करा दिए थे। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। अब पांचवें क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं कि डेसिमल में बनाना है। जैसे 75% है तो इसको डेसिमल बनाइए। हमने उस दिन आपको यह भी बताया था कि ब्रेक टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100 इन डिनोमिनेटर और प्रीपेयर टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100 इन न्यूमरेटर। अब हमारे पास ब्रेक टू परसेंट आ रहा है, परसेंटेज को हम हटा रहे हैं तो 100 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मींस कैसे 75/100 हो गया। अब उसको डेसिमल बनाना है, बनकर डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, लेकिन दो जीरो आ जाते हैं तो दो जीरो नंबर पहले लगा के डेसिमल, वन नंबर टू नंबर, तो यहां डेसिमल लगा देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है बी वाला, 7% है तो वो ब्रेक टू परसेंटेज 100 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 1 का डिवाइड दिया वही चीज, दो जीरो है एक नंबर है तो एक जीरो और बढ़ा दें, डेसिमल लगा दें और इस तरह से हमारा बन गया। अब क्वेश्चन है आगे एफ वाला, जब 125% है तो हम क्या करेंगे, 1/25/100, तो 1 का डिवाइड किया तो 125 आ गया, दो जीरो एक नंबर दो नंबर पहले डेसिमल लगाया तो 1.25 आ गया। ऐसे ही एक जी वाला और था 3.6%, तो हमें क्या करना होता है 3.6/100 लगा देंगे, परसेंटेज थोड़ा 100, अब एक नंबर डेसिमल हटाया तो जीरो और बढ़ा देते हैं, तो अब 36 का डिवाइड किया 36 लिख दिया, अब हमारे पास तीन जीरो है, एक दो तीन, तो एक दो नंबर है तो तीन नंबर बना लिया, पॉइंट लगा दिया और इस तरह से हमारे पास बन गया 0.036। तो पांचवा वाला क्वेश्चन खत्म हुआ है। छठवें वाले में है, क्वेश्चन में क्या पढ़ते हैं हम, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन द लोएस्ट टर्म। अब लोएस्ट टर्म की बारी आई, तो लोएस्ट टर्म का मतलब होता है नंबर को काटीट करना, मतलब छोटे से रूप में लाना, और जब छोटे से रूप में हम लाएंगे नंबर तो क्रॉस किए जाएंगे। जैसे नंबर 6 का हम देखते हैं 44% है, तो 44/100 ले आई। अब हम डिजिट को काटना शुरू करें तो डिवाइड बाय हम 4 से भी दे सकते हैं, डिवाइड बाय 2 से भी दे सकते हैं हम, तो 4 से डिवाइड किया तो 11 और 4 से दिया तो 25, ये इसका लोएस्ट टर्म बन गया। मतलब डिवाइड बाय 4 इन बोथ साइड, हमने 4 का डिवाइड दे दिया तो क्रॉस हो गया। अब 11/25 जब आया तो 11/25 किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, यानी कि मतलब अपनी ही टेबल से काटे जा सकते हैं, तो अपनी ही टेबल से क्या कोई मतलब नहीं है, दोनों नंबर एक ही टेबल से क्रॉस किए जाए, तो इसका मतलब है लोवेस्ट टर्म इसको कहा गया। अब जैसे देखो 24% है तो 24/100 डाल देना। अब हम देखो 2 से भी क्रॉस कर सकते हैं 4 से, तो हम बड़ी डिजिट को लेते हैं 4 से क्रॉस किया तो 4 6 24 और 4 25, तो इस तरह से 6/25 आ गया। तो ये हमारा रहा
फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में काटना। सेवन क्वेश्चन में है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन विद लोएस्ट टर्म, ये भी लोएस्ट टर्म नहीं है, ये बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि पॉइंट है और एक मिक्स्ड नंबर ही बने हैं, तो उनको कैसे करेंगे, तो देखें सेवेंथ क्वेश्चन 12.5% है, तो पहले तो आप परसेंटेज को हटा दीजिए, 100 हो गया। अब देखो डेसिमल हमारा एक नंबर है, एक यहां है नहीं, तो हम डेसिमल को घटा देते हैं, तो एक जीरो बढ़ा देते हैं। अब इसको काटना शुरू करना है लोअर टर्म में, तो डिवाइड बाई हम 5 का भी देते हैं, लीजिए 5 का डिवाइड देते हैं, तो 25 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 200। अब देखो लीजिए कट रहे हैं, हम इसको भी और काट सकते हैं 5 से, तो 5 का डिवाइड दिया 5 अपॉन 40 आ गया। अब देखो फिर कट रहा है, तो फिर काट सकते हैं 5 से, 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40, तो ये पोजीशन लास्ट में आएगी 1/8। हमने बढ़ाके 25 से नहीं काटा, 25 से नहीं क्रॉस किया, छोटी यूनिट से हम करते चले गए। वैसे हम डायरेक्ट 125 से नहीं दे सकते थे डिवाइड, नहीं दिया। अब ऐसे ही बी वाले देखो 22/1/2% है, पहले हमारे पास साधारण थे, अब मिक्स आ गए, तो मिक्स को पहले होल नंबर बनाए, 22 जा 44 और जोड़ दिया, तो 45/2 हो गया, परसेंटेज हटाया तो 100 नीचे आ गया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते, 45/200 हो गया, क्रॉस करें तो 5 से तो 5 9 जा 45 5 4 जा 20, अब यदि कटेगा तो हम इसको 9/40 दर्शा देंगे। तो इस तरह से हम आगे भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है 8वां, विच ऑफ द इम्प्लेंट फ्रैक्शन, अब 1% किसके बराबर है, तो ए 8 है, 0.8 है, 0.08 है, 0.008 है, तो इसमें सी वाला कॉलम सही रहेगा, क्यों 8/100 हो जाएगा, 100 का डिवाइड दे देंगे तो हमारा 0.08 आ जाएगा। अब कहता है चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं 9 वाले के, तो इसको भी परसेंटेज बदलना है, तो कैसे करेंगे, जैसे 9 वाला क्वेश्चन है 4/5, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 ऊपर लगाना होगा नेमो ब्रेकर ब्रेक, अब पैकेट 2% आ गया, तो हम 5 से देखो कट रहा है, 5 2 जा 10 0, तो 4 × 20 तो मीन्स हो गया 80%, मतलब 5 में 4 जो है वो 80% आ रहा है। ऐसे ही सी वाले में देखो 11/20 है, तो 11/20 मल्टीप्लाई बाई 100 काट दो, 5 बार कटा, 11/5 = 55% आ गया। देखो हमने शॉर्ट और कर दिया, पहले डिटेल था पूरा शॉर्ट कर दिया, तो आप डिटेल की तरफ ज्यादा ध्यान दें तभी आपको समझ में आएगा। अब ऐसे ही 10th क्वेश्चन है चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टू परसेंटेज, इसको भी परसेंटेज बदलना है, तो 4 है, अब परसेंटेज बदलोगे तो 4/1 × 100 तो 400 आ जाएगा, 800 आ जाएगा, मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे 11 में है कि चेंज इनटू डेसिमल इनटू परसेंटेज, जैसे अभी पिछले दिए थे 5वें 6 में सवाल, उसी तरह से इसको करना है, तो ये आप अब स्वयं करेंगे तो ये आपकी एक्सरसाइज कभी खत्म हो जाएगी। और आपके एसएसटी के एक लेसन के 2 फॉल्स रह गए थे,
हमने नहीं लिखी थी, ध्यान नहीं रहा, तो अब हम जब एस एस टी के लिखेंगे तो एक कॉलम में लिख देंगे इस एक्सरसाइज की ट्रू फॉल्स ये है, तो वो आप अपना देख लेना, और जिस दिन हम भेजेंगे अगला चैप्टर 13 तो उसी दिन आपको हम बता देंगे, इस चैप्टर के एक कॉलम में बना देंगे और उसमें लिख देंगे कि ये ट्रू फॉल्स है।